हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत में संवैधानिक विकास 1773 से 1935 पर चर्चा करेंगे। तीन एक्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला 1786 का अधिनियम। विलियम पीट ने दिसंबर 1783 में नई सरकार बनाई। पीट ने 1783 के भारत अधिनियम से संबंधित बिल संसद में पारित किया। पीट ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नियुक्त करने की पेशकश की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्पष्ट किया कि वे चाहते हैं कि मुख्य और नागरिक नियंत्रण तथा सर्वोच्च सैन्य कमान की शक्ति उनके हाथों में हो। 1786 के अधिनियम ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को अधिक शक्ति देने के लिए अधिनियमित किया गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधिकार के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश भारत का पहला प्रभावशाली शासक बना। नए अधिनियम के तहत पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 के बीच ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे और वे नियंत्रण बोर्ड के प्रति जवाबदेह थे। 1786 के मुख्य कार्य। नंबर एक, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बोर्ड को निलंबित कर दिया और निजी व्यापार के खिलाफ नए नियम लागू किए। नंबर दो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निपोटिज्म और राजनीतिक पक्षपात को समाप्त कर दिया। नंबर तीन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पूरे प्रशासन में एक शर्त लागू कर दी कि एक कंपनी सेवक ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक या राजनीतिक शाखा में शामिल हो सकता है, लेकिन दोनों में नहीं। सिविल सेवा की शुरुआत भी इनके दौर में हुई। नंबर चार, लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक प्रमुख सुधार सेवाओं का यूरोपीकरण था। सभी भारतीय अधिकारियों को बर्खास्त कर यूरोपियन लोगों के लिए पद आरक्षित कर दिए गए। नंबर पाँच, उन्होंने बंगाल की राजस्व और भूमि प्रणाली में सुधार लाया। नंबर छः, हिंदुओं और मुसलमानों पर अलग अलग दंड संहिता और नागरिक संहिता लागू की गई और विभिन्न भाषाओं में इन संहिताओं का संहितीकरण किया गया। नंबर सात, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून सुधार लाने के प्रयास में दूसरों से सहायता प्राप्त की। भाषाओं के विशेषज्ञ विलियम जोन्स ने मौजूदा हिंदू और मुस्लिम दंड संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। नंबर आठ, 1790 में कंपनी ने नवाब से न्याय का प्रशासन छीन लिया और कॉर्नवालिस ने एक बेहतर अदालत के साथ सर्किट कोर्ट की एक प्रणाली कलकत्ता में शुरू की और सर्किट कोर्ट के फैसलों की समीक्षा की शक्ति भी दी गई। नंबर नौ, एक और बड़ा सुधार कानून में लाया गया। भारतीय कानून कोड दुनिया में सबसे प्रभावशालियों में से एक बनाया गया और अंग्रेजी प्रणाली की तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली माना जाता है। नंबर दस, यह जमींदारों की जातियों से भूमि के किराएदारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर भी लिखते हुए वे कहते हैं कि यह सरकार के लिए अपरिहार्य है कि किस व्यक्ति के पास ज़मीन है, बशर्ते वह उसकी खेती करे, रियायतों की रक्षा करे और सार्वजनिक राजस्व का भुगतान करे। नंबर 11, उन्होंने 1791 में हिंदुओं के लिए एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जो अब बनारस में सरकारी संस्कृत कॉलेज है। दूसरे चार्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। चार्टर एक्ट 1793। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था, जिसमें कंपनी चार्टर को नवीनीकृत किया गया था। चार्टर अधिनियम 1793 के निम्नलिखित प्रावधान है, जिसमें 1793 के अधिनियम न्यूनतम परेशानी के साथ पारित किया गया और अधिनियम ने केवल न्यूनतम बदलाव किए गए। अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित शामिल है। नंबर एक, व्यापक शक्तियां गवर्नर जनरल को अधीनस्थ प्रेसिडेंसी पर व्यापक अधिकार दिए गए थे। नंबर दो, गवर्नर जनरल की शक्ति
गवर्नर जनरल की अपनी सत्ता पर शासन करने की शक्ति की पुष्टि की गई और अधीनस्थ प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स जिसमें मद्रास और बॉम्बे के राज्यपाल या गवर्नर पर विस्तारित किया गया। नंबर 3, बिना अनुमति के सीनियर अधिकारी को बिना अनुमति के भारत छोड़ने से मना किया गया था। नंबर 4, शाही अनुमोदन जिसे हम क्राउन अनुमोदन भी कहते हैं, गवर्नर जनरल, राज्यपाल और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था। नंबर 5, अधिनियम जारी किया गया। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी के शासन को जारी किया गया। नंबर 6, कंपनी का एकाधिकार। इसमें अगले 20 वर्षों तक भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को जारी रखा गया। नंबर 7, क्राउन के विषयों द्वारा संप्रभुता। अधिनियम ने स्थापित किया गया कि क्राउन के विषयों द्वारा संप्रभुता का अधिग्रहण क्राउन की ओर से है और अपने आप में सही है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि कंपनी के राजनीतिक कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से किए गए है। नंबर 8, लाभांश। कंपनी के लाभांश को 10% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई। नंबर 9, अधिक शक्तियां। गवर्नर जनरल को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। वह कुछ परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को ओवरराइड कर सकता था। नंबर 10, प्राधिकरण। उन्होंने मद्रास और बॉम्बे के राज्यपालों पर भी अधिकार उन्हें दिया गया था। नंबर 11, सुपर सेड। जब गवर्नर जनरल मद्रास या बॉम्बे में मौजूद रहता है तो वह मद्रास और बॉम्बे के राज्यपालों पर अधिकार कर लेता था। नंबर 12, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करें। गवर्नर जनरल की बंगाल में अनुपस्थिति में वह अपनी परिषद के असैनिक सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता था। नंबर 13, नियंत्रण बोर्ड की संरचना। नियंत्रण बोर्ड की संरचना बदल दी गई, जिसमें एक राष्ट्रपति और 2 जूनियर सदस्य होना चाहिए और ये जरूरी नहीं कि प्रिवी काउंसिल के सदस्य ही हो। नंबर 14, कर्मचारियों का वेतन। अब कर्मचारियों का वेतन और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन कंपनी दिया करती थी। नंबर 15, 5 लाख का राजस्व। सभी खर्चों के बाद कंपनी को ब्रिटिश सरकार को 5 लाख रुपए सालाना भारतीय राजस्व से चुकाना पड़ते थे। नंबर 16, वरिष्ठ अधिकारियों को वर्जित किया गया। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने से रोका गया तथा अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसे इस्लीफा माना जाएगा। नंबर 17, लाइसेंस देने के लिए अनुमति दी गई। कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्तियों और कंपनियों के कर्मचारियों को लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया था। इसे विशेषाधिकार या देश व्यापार के रूप में जाना जाता था। इसके चलते चीन को अफीम का लदान करना पड़ता तथा अधिनियम कंपनी के राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों को अलग कर दिया गया, जिसके कारण माल अदालत या राजस्व अदालत अलग की गई। कंपनी चार्टर। अगले चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा नवीनीकृत किया गया था। चार्टर एक्ट 1813। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अगले 20 साल के लिए नवीनीकृत किया गया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 भी कहा जाता है। 1813 के चार्टर अधिनियम के कुछ निम्नलिखित प्रावधान है। नंबर 1, क्राउन की संप्रभुता। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया। नंबर 2, व्यापार अधिकार। और 20 साल का व्यापार अधिकार कंपनी और उसके शासन का विस्तार किया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर एक अधिकार समाप्त हो गया। नंबर 3, स्थानीय सरकार लोगों पर टैक्स इम्पोज करती। इसमें स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन लोगों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। नंबर 4, कंपनी का लाभांश। कंपनी का लाभांश 10.5% तय किया गया। नंबर 5, न्यायालयों की शक्तियां। इस अधिनियम ने
यूरोपियन ब्रिटिश विषयों पर भारत में न्यायालयों के लिए अधिक अधिकार दिए गए। नंबर 6, मिशनरियों को अनुमति। यह अधिनियम मिशनरियों को भारत आने और धार्मिक कार्यों में संलग्न होने की अनुमति प्रदान करने के लिए था। मिशनरी अधिनियम के प्रावधानों में कलकत्ता में अपने मुख्यालय के साथ ब्रिटिश भारत के लिए बिशप की नियुक्ति पाने में सफल रहे। नंबर 7, वित्तीय अनुदान। भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और विज्ञान के प्रचार की दिशा में वित्तीय अनुदान प्रदान किया गया। नंबर 8, कंपनी को उनके अधीन भारतीयों की शिक्षा में एक बड़ी भूमिका निभानी थी, इस उद्देश्य के लिए 1,00,000 रुपये अलग से रखे गए। धन्यवाद।